गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम रिवीजन में इंटीजर्स का ठीक है स्टार्ट कर चुके थे, आपका एक्सरसाइज 4 का रिवीजन 3। ओके, रिवीजन 3 में आज हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने करा दिया आपको, क्वेश्चन 2 फाइंड द सम्स ऑफ। ठीक है, सम्स मतलब जोड़ना है। 1531 एंड कॉमा दिया है -503। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस -503, तो प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जो जनरल करते हैं वही करेंगे, 1531 -503। ओके, सो 1 से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो आप कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11, ये हो जाएगा 2। 11 माइनस 3 8, 2, 5 माइनस 5 0 1, सो आंसर विल बी 1028। ओके, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव आएगा, जो बड़ा नंबर होगा ठीक है वो पॉजिटिव रहेगा, तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है -55 -211। ओके, सो -55 -211, क्योंकि प्लस का प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखिए दोनों सेम साइन है तो क्या होता है, हमेशा याद रखिए जब दोनों सेम साइन होता है, हम किए थे याद होगा आप लोगों को नंबर लाइन में, -2 -3 अगर करते हैं तो -5 में जाता है। ठीक है, दोनों निगेटिव है मतलब दोनों जुड़ जाता है, दोनों सेम साइन है तो दोनों बोथ नंबर विल बी एडेड बट साइन विल बी नेगेटिव। तो 5 + 1 = 6, अगेन 6 and 2, सो रिजल्ट विल बी -266। ओके, थर्ड 117 and -81, फिर से वही प्रोसेस, 117 + -81 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -81। फिर नॉर्मल प्रोसेस आपका, क्योंकि ये माइनस में है तो आप माइनस करेंगे, 7 - 1 = 6, 11 - 8 = 3, सो आंसर विल बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का ही है, लास्ट वाला, -18 and 172। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जिसको सामने लिख देते हैं ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। -18 172 -18, ठीक है वो आगे लिखा है उसको पीछे कर दिया हमने, आगे लिखना तो आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -18 + 172, क्योंकि दोनों प्लस माइनस है तो हमेशा याद रखना है एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, घटाएंगे और घटाएंगे क्या होगा, ये बड़ा नंबर है तो रिजल्ट में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो देखो 12 अब कर ले इसको, 172 - 18, 12 में ये हो गया 6, 12 में 4, 6 में 5, 1, ठीक है, सो 154। इधर भी लिखेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, यहाँ पे भी लिखने का तरीका अलग है। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल्स। ओके, 8 फर्स्ट +-3 -3 + 8, देखो दोनों सेम है ना, तो क्या होगा, इक्वल टू साइन आएगा। नेक्स्ट -28 + 25 - 25 + 28, अब यहां देखो अंतर क्या पड़ रहा है, बड़ा नंबर दोनों में से कौन सा है, नॉर्मली हम देखें तो साइन को छोड़ के 28 बड़ा है, 28 के साथ माइनस है, मींस यहां पे अगर आंसर आएगा तो माइनस में आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा वो प्लस में आएगा,
तो बड़ा किधर जाएगा? निगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर, तो प्लस 28 माइनस 25 3 आएगा या माइनस 3 आएगा, सो विच विल बी बिगर? प्लस 3, सो अगेन ग्रेटर देन। ओके, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर तकलीफ है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू हैव गॉट द आइडिया, यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजिली। ओके, सो नेक्स्ट, माइनस 4 प्लस 0 एंड 4 प्लस 0, सो माइनस 4 प्लस 0 0, इफ यू आर एडिंग 0 टू एनी नंबर मींस यू आर गेटिंग दैट नंबर अगेन एंड अगेन। ओके, जितनी बार आप 0 ऐड करोगे वो नंबर वापस अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 0, 0 में हम 0 किस में ऐड करें? माइनस 4 में, तो रिजल्ट भी माइनस 4 आएगा। यहाँ 4 ऐड कर, मैं 0 ऐड कर रहा, तो यहाँ 4 आएगा, सो विच इज बिगर? 4 इज बिगर। ओके, नेक्स्ट 4 समझ में आ रहा होगा, आई थिंक, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 0 प्लस 9, 9 प्लस 0, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है? कम्युटेटिव लॉ है, 0 में 9 ऐड कर रहे हैं, 9 में 0 ऐड कर रहे हैं, तो दोनों तो बराबर है, ठीक है, तो ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ सकता था, 25 प्लस ऑफ प्लस 25 प्लस 25 माइनस ऑफ माइनस 25, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये प्लस का कोई मतलब नहीं होता है, पॉजिटिव नंबर बताने के लिए हो सकता है। तो 25 प्लस 25 ये ऑलरेडी 25 प्लस 25 है, और ये 25 प्लस 25 है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों का रिजल्ट तो सेम आएगा, सो दिस विल बी इक्वल। ओके, वैसे ऐसा लिखा नहीं जाता है कहीं भी, आप कभी भी देखेंगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पे ये रहेगा या फिर ये रहेगा, यहाँ पे प्लस नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है? दिस अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये इजिली अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर, जैसे यहाँ पे है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसके सामने प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो निगेटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर को बताने की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो उसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। निगेटिव इंटीजर में आपको माइनस लिखना पड़ता है क्योंकि उसमें बताना पड़ता है, ओके, बिकॉज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट इसमें आते हैं, 208 प्लस 53, 208 माइनस 53, अरे तो कॉमन अंडरस्टूड है भाई, ऐड करोगे वो बड़ा होगा कि सब्ट्रैक्ट करोगे वो बड़ा होगा, सब ऐड करेंगे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट, ये भी इसी तरह से है जो हमने पहले किया था, तो इसको मैं ऊपर करा दे रहा हूँ। प्लस 2 इंटू 5 का ए 4 का प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस 2, 2 3 जा 6, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटू 5, 6 5 जा कितना आएगा 30। नेक्स्ट 3 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 6, आंसर 3 इंटू माइनस 5 माइनस है तो माइनस बाहर लगेगा, 3 5 जा 15 माइनस 6। मैंने पहले भी कहा था आपको, जब भी आप मल्टीप्लाई करें कि उस किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू लिखते तक आपके माइनस साइन पेयर में होना चाहिए, नहीं है तो पेयर में ये आंसर में आके होगा, और है तो आंसर में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिस माइनस इज इन द पेयर, जब पेयर में है तो हमारे रिजल्ट में वो नहीं दिखेगा, तो 15 6 90 यहाँ पे रिजल्ट में आपका नहीं आएगा, ओके, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। थर्ड माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2, ठीक है, यहाँ भी दो माइनस है, यू कैन अंडरस्टैंड, माइनस 4 इंटू 3 तो ये हो गया माइनस 12 इंटू माइनस 2
दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस पेयर हो गया, ये हो गया प्लस, 12 2 24, ठीक है। इसी में यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं 4 माइनस 6 इंटू माइनस 4 इंटू 1 है, तो आंसर 6 4 6 का टेबल याद होना चाहिए, 6 4 24 माइनस माइनस प्लस पेयर में आ गया इंटू 1, 24 1 24, ये आंसर हो गया आपका 5 3 इंटू 0 इंटू माइनस 2, आंसर लिखेंगे 3 इंटू 0 क्या होगा 0, 3 का टेबल 0 टाइम्स मतलब 0 इंटू माइनस 2। अब 0 से आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए आपका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई और डिवाइड द 0 बाई अनदर नंबर और मल्टीप्लाई विथ 0 टू एनी नंबर यू आर गोइंग टू गेट 0 ऑलवेज। ओके, किसी नंबर से आप 0 को डिवाइड करते हैं और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 3, आंसर 2 7 जा माइनस 14 इंटू माइनस 3, -14 14 3 जा 42, माइनस माइनस प्लस। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिलअप्स हैं ये भी, इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत टाइम है अपने पास, आई थिंक दिस एक्सरसाइज विल बी ओवर, रिवीजन है इसमें मैं, और जो बच्चे नहीं किए हैं क्वेश्चन आंसर बेटा आप करिए इसको देख के, है ना, जो क्वेश्चन आंसर पहले नहीं लिखे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फिलअप में क्वेश्चन लिखिएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5, तो मैं इसको पूरा लिखने के बजाय डायरेक्टली बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास बुक है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बुक में 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5, 2 इंटू 4 इंटू 3 8 इंटू 3 4 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 1, 28, इस तरह से ये दिया हुआ है, तो चेक करते जाते हैं, मैं सीधे डायरेक्टली सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी विल सेव द टाइम एंड वी आर डूइंग द रिविजन, सो दैट विल बी बेटर, ठीक है। फर्स्ट का क्या आ रहा है देखो, 2 5 10, पहले आ रहा है 10, दूसरा आ रहा है -15, विच इज बिगर, दिस इज बिगर। सेकेंड 2 4 8, क्योंकि माइनस है तो -8 माइनस 8 इंटू माइनस 3, 24 मीन्स +24, इधर भी 24, 8 3 जा, तो दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। नेक्स्ट 4 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो -4 3 जा 12, 12 इंटू 1 -12 इंटू माइनस 1, तो 12 1 जा 12, ठीक है। 28 है तो विच इज बिगर, दिस इज बिगर, 4, मैं यहां पर पूरा कंटिन्यू जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं, ठीक है, बिकॉज इफ आई विल राइट द क्वेश्चंस मींस दैट विल टेक सो मच टाइम। -8 इंटू -5, तो 8 5 जा 40, दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 20 40, फिर से दोनों बराबर आया। नेक्स्ट 5, 2 इंटू माइनस 3 इंटू 0, तो ये 0 आ गया, 0 इंटू माइनस 8, दिस इज अगेन 0, तो दोनों तरफ फिर से बराबर, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई में सभी बार ने बताया था थोड़ी देर पहले कि 0 से आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0। 4 इंटू 5 इंटू माइनस 3, तो 4 5 जा 20, 20 माइनस 3 इंटू माइनस 60, ठीक है, 23 जा 60। नेक्स्ट इधर आते हैं, 4 5 जा 20, तो -20 इंटू माइनस 3, क्या आ जाएगा, +60, तो कौन सा बड़ा होगा, ये होगा 7। नेक्स्ट 3 8 जा 24, ठीक है, या इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 43 जा 120, तो -120, क्योंकि ये भी वही है सेम,
ठीक है, तो ऑलरेडी सेम दिख रहा है, माइनस 120 ये भी आएगा, बिल्कुल सेम है, 3 इंटू 8 इंटू माइनस 5, तो कुछ अंतर नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 69, ठीक है, वन ऑफ देम इज 56, फाइंड द अदर, लेट वन इंटीजर या फर्स्ट इंटीजर लिख सकते हैं इसको, लेट फर्स्ट इंटीजर, लेट इज 56, सेकंड इंटीजर एक्स ले लेते, ठीक है, समझने के लिए, फाइंड द अदर इंटीजर, देन एक्स प्लस 56 इक्वल टू 69, और एक्स इक्वल टू 69 माइनस 56, माइनस करो कितना आएगा, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 5 1, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है, प्रोसेस वाइज, आप स्टेप वाइज जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो स्टेप फॉलो करिए प्रॉपर वे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 85, लेट द फर्स्ट इंटीजर, और वी कैन राइट फर्स्ट इंटीजर इज गिवन एज 15, ठीक है, लेट सेकंड इंटीजर एक्स, देन व्हाट इज गिवन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, फिर से वही दिया है, एक्स प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 85, तो एक्स माइनस 15 हो जाएगा प्लस माइनस 85, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 85 प्लस, जब भी साइड चेंज करते हैं याद रखिएगा उसका साइन चेंज होता है, जब भी प्लस माइनस वाले नंबर को अपोजिट इक्वल टू साइन के अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो वो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 85 प्लस 15 कितना आएगा, 100, तो सेकंड इंटीजर जो है वो 100 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स, ठीक है, फर्स्ट है आपका 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 1 0, 2 5 जा 10, ठीक है, तो आंसर हो गया 15, ये करके आपको दिखाना है, ऐसा नहीं कि बस उतार दिए, फोटो कॉपी कर दिए, नहीं, 40 डिवाइडेड बाय माइनस 4, 40 को माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, यहां भी माइनस 1, 0 का 0, ठीक है, तो यहां पे रिजल्ट आंसर आएगा माइनस 10, थर्ड माइनस 48 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, तो टेबल याद है तो आप आराम से कर सकते हो, 48 माइनस 48 12, तो यहाँ माइनस लाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस 12 फोर जा 48, ठीक है, तो माइनस 4, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर में आते हैं इसका, आई थिंक इतना ही है, ज्यादा नहीं है ये, 12 डिवाइडेड बाई, सॉरी टेबल पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है, इसका कोई डिवीजन का है नहीं, उसे गलत दिया है, दिया नहीं चाहिए ये, ठीक है, जीरो से 24 डिवाइड नहीं हो सकता, तो नॉट डिविजिबल, ठीक है, माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आएगा, तो 1 का टेबल 14, तो इसको डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस विल कम माइनस 14, अगेन
95 डिवाइडेड बाय माइनस 5, इसको करना पड़ेगा 95 डिवाइडेड बाय माइनस 5, तो यहाँ पॉजिटिव है तो हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 5 1 5, ठीक है, माइनस लेना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव आए, दोनों तरफ माइनस होगा तभी पॉजिटिव आएगा, तो 5 हो गया 4 5, 5 9 गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 माइनस 90। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, -80 डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड करेंगे कि -20 आएगा, तो -20 से डिवाइड करिए, 24 जा 80, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, 46 डिवाइडेड बाय -23, तो 23 और 46 के बीच में आप रिलेशन देखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -2, क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस होगा तब यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पेयर में ही होगा माइनस है, यहाँ पे है यहाँ पे है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड, -24 डिवाइडेड बाय 24, देखो यहाँ पे 24 के टेबल में 24 एक ही बार में आता है ना, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस होगा, 12 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 1, तो 12 किसके टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा, लेकिन यहाँ रिजल्ट में माइनस है ना तो -12 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेयर में आएगा इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आपको पेयर में करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ठीक है, 7 का फर्स्ट एडिटिव इनवर्स, वहां पे जोड़ना था इसलिए हमने वैसे किया, यहां पे चलो एडिटिव इनवर्स ऑफ 17 इज माइनस ऑफ 17, दैट इज -17, -23 एडिटिव इनवर्स ऑफ -23 इज माइनस ऑफ -23, दैट इज इक्वल टू 23, ठीक है। थर्ड, एडिटिव इनवर्स ऑफ 68 इज माइनस ऑफ 68, दैट इज -68, ठीक है। -75 एडिटिव इनवर्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे आप -75 इज माइनस ऑफ -75, दैट इज इक्वल टू +75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन